हेलो दोस्तों, आज बहुत टाइम बाद समय मिला। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अपना ये होम स्टे शुरू किया था तो उसमें थोड़ा बिजी हो गए और फिर समय ज़रा कम मिला। आज हमारे दोस्त आदिप आए थे तो उनके साथ हम इधर रूपवे में आ गए सुरकुंडा मंदिर जाने के। ये कुछ इस तरीके से ऊपर जाती है बैठा के। आदिप वो अभी लाइन में लगे पड़े, वो टिकट खरीद रहे हैं 177 रुपए की ये टिकट है आना जाना, और आपको इस तरीके से लेके जाएगी। ये देखो जी, ये सब लोग जा रहे हैं। ये देखिए जी, आधे टिकट लेके आते हुए अब हम लोग भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी शायद इस गाड़ी में हम बैठेंगे दोस्तों, ये इसकी वजह से। या हम तो धार्मिक पैदल चलिए, देखिए कुदरत जो है वो पैदल की अनुमति देता है। प्रदीप, हम लोगों की तबीयत जो है इस बात की अनुमति नहीं देती। भीड़ देखिए दोस्तों कितनी सारी धार्मिक लोगों की। मुझे लगता है एकदम कम पहुंच जाते हैं दोस्तों। वो लोग वहीं खड़े हैं यहाँ पे, अचानक उन्होंने कहा कि दो लोग हैं और हम लोग आ गए। ये देखो दोस्तों, स्पेशल ट्रीटमेंट दो लोगों को, ये चक्का। बैठिए आदि, बैठिए। हेलो हेलो हेलो, सैलानी। इंतजारी का टिकट पकड़ते हुए आदि। हेलो गाइस, बहुत ज़्यादा दोस्तों गाड़ी आ गई। अब देखें दोस्तों क्या होता है। आदि हम सबसे पीछे वाली में बैठेंगे इसमें, तभी नज़ारा दिखेगा, या सबसे आगे वाली में। बीच बीच वालों के लिए ख़त्म है ये, बीच वालों को कहाँ दिखेगा कुछ, है ना। मैं मना कर दूंगा। ये देखो दोस्तों, ट्रॉली सुरकंडा देवी के अंदर से कुछ इस तरह दिखती है। अच्छा, आदिप आगे आ जाओ भैया, आगे वाली में। आदिप ने अपना पैंतरा डाल दिया और कहा कि हम आगे वाली में बैठेंगे। छह लोग आएंगे ना एक में, चार और दो छह, क्या कॉम्बिनेशन है दोस्तों। अच्छा अच्छा दोस्तों, सीधा बैठने के लिए कहा जा रहा है। बच्चे बीच में खड़े ना उठें, ये भी कहा जा रहा है। वीडियो बनाने में शायद तकलीफ हो दोस्तों। अब हम ऊपर की ओर जाना शुरू कर रहे हैं और ये लाइन लंबी लगी हुई है। मेरा वाला मोबाइल तो उसमें वीडियो बनता है। और ये फैमिली हमारे साथ है। कहाँ से है मैम आप लोग? बिहार से। अच्छा, आप पहली बार आए हैं इधर? देखिए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, तुम लोग कहाँ से? उत्तराखंड। हम उत्तराखंड से ही हैं, पर हाँ, पर पहली बार आए इधर। कहाँ? उत्तराखंड, देहरादून से। आप पहली बार आए आज सुरकंडा मंदिर? हाँ पहली बार। देहरादून से यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ हमारा होम स्टे है वैसे, तो हम वहीं पे रहते हैं आज। मसूरी नहीं, नहीं, दो तीन किलोमीटर पहले इनका होम स्टे है। होम स्टे का कितना लेते हैं? खाना उना सब उसी में, ब्रेकफास्ट है उसमें सुबह का। ब्रेकफास्ट में क्या खिलाते हैं? पराठे खिला देते हैं, पोहा खिला देते हैं। दोस्तों हम आगे चलने, स्पीड काफी धीरे है इसकी। ये देखिए दोस्तों, अब ये चढ़ी ऊपर। अच्छा, इसमें ज्यादा हिल भी गए तो ये हिलती भी है। इसलिए तो मना करा था उन्होंने हिलने के लिए, सर बैलेंस होता होगा ना कुछ। वीडियो बना रहे था।
स्पीड जब वो आ जाता है ना गरीब ने गड़गड़ भी कर वो पैदल जाने वाले इधर से जाते उठना मत दोस्तों ये पैदल जाने का रास्ता ये मैंने 15 मिनट में किया हुआ पैदल वाला एक बार ये इन्होंने 15 मिनट में किया है दोस्तों इनकी शक्ल देख के आप बता सकते हैं कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ नहीं सही तब हम यहाँ रहते थे 10 दिन अच्छा अरे बाप अरे अरे उतरने के लिए उतर जाएगा 15 मिनट हाँ उतर तो जाएगा चढ़ना थोड़ा मुश्किल अरे मैं रोज आता था 10 दिन था मैं यहाँ रहता कुछ तो काम था नहीं तो मैंने कहा चलो रोज मंदिर ही चल लो अच्छा तो फिर इस रास्ते से नहीं जाता था मैं पहाड़ों के रास्ते जाता था अच्छा क्लाइम करके फिर अभी आपको लेके आया मैं एक बार अपने मौत के रास्ते से काफी उनको काफी डर लगा एक बार अनंत को लेके आए अच्छा हम सबको लेके आते हैं दोस्तों ये काफी अच्छी सुविधा हो गई काफी ऊंचाई पे हम लोग आ गए और सस्ता भी है भाई ट्रॉली के हिसाब से वरना इससे ज्यादा तो देहरादून की घटिया सी ट्रॉली ले लेती है कि भट्टा फॉल है कितना लेता सर 200-250 रुपए मसूरी वाली कितनी महंगी है सही है जेन्युइन है मसूरी वाले की महंगी है मसूरी वाली वो दोस्तों पूरे बादल ही बादल लगे हैं अब हम बादलों में इनकी हकाशी तेज हंस रही है अब रुकेगा अच्छा रुकेगा वो चढ़ेगा उसमें गया है ना अच्छा 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 एक स्पीड में पहुंच जाएगा दोस्तों की चढ़ाई अब एकदम से आ गई उधर का दल है ना अच्छा अभी कहाँ गए आप लोग पहले हरिद्वार से शुरू किया हरिद्वार ऋषिकेश फिर देहरादून चक्राता अब ये आज धनुल्टी चक्राता ज्यादा ठंडा होगा धनुल्टी आज है कल मसूरी है कल रिटर्निंग अच्छा लोकल सब कवर कर लिए 6 दिन दोस्तों हरिद्वार ऋषिकेश उसके बाद देहरादून मसूरी अरे तो दो ही जाने जा रहे हैं अकेले खाली होगा तो क्या करें अभी करने लगे चश्मा वापसी में कम आते होंगे लोग ना अरे 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 देखिए दोस्तों कैसे हिल डुल कर रही है बीच उसमें रोकते हैं कुछ मैंने 2 फोटो खींचा है ये प्रक्रिया जाने का भी रखता है ना खाली ना तो ठीक था फोटो निकालना भी खींचता है ये तो ये हम लोग पटना में है रांची राजगीर में कुर्सी वाला है अच्छा कुर्सी पे बैठ जाइए बांध लीजिए पूरा ओपन है ओपन है वो ज्यादा अच्छा लगता है ना वहाँ पे वो भी पूल है इसमें डर भी लगता है हाँ डर भी है ये देखो दोस्तों मंदिर का घंटी बजने लगा मतलब सुरकंडा दोस्तों ऑटोमेटिक दरवाजा खुद ही खुल गया अरे 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 ये बाकी हमारे साथ लोग आए ये नीचे जाने वाली भीड़ है तो जाओ यार चलो उतरना है क्या चलो जी नीचे जाओगे क्या मोबाइल उठाओ चलो नीचे चलते हैं भाई 12 घर घुमाओ दोस्तों हम आराम से बैठ के पहुंच गए और अब मंदिर ये आदिप दोस्तों नीचे और ऊपर के मौसम में काफी अंतर है ये देखिए इनको गर्मी लग रही है फोटो सेशन होने के बाद अब हम आगे जा पा रहे हैं ये पकड़िए यार क्या आप हमें पकड़ा रहे हो नास्तिक को आप क्या पकड़ा रहे हैं हम आपकी कंडाली लगा देंगे डीप ब्लू पे ये सुनिए
शैतान गंडाली लगा देते चक्कर में मेरे लगी गंडाली एक जोर जाते हुए चार घंटे तक खुजली खुजलाहट ये दोस्तों पैदल वाले दोस्तों यहाँ पे जूते चप्पल अब उतारे जाएंगे और ये जो है आदि दोस्तों ये कुछ इस तरीके से दोस्तों ये मंदिर के ऊपर इधर कैंटीन भी है जहाँ से आप लोग चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पे कई तरह की चीज़ें खाने को मिलती हैं और इधर ये बैठने का एरिया भी है काफ़ी अच्छा। ये ऐसे जहाँ पे लोग बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये देखा किस तरह के ये मंदिर में आने का रास्ता है। तबीयत ख़राब होने की वजह से ज़्यादा मैं आपको वीडियो बना नहीं पा रहा। मिलते हैं जल्दी किसी अगले ब्लॉग में। बाय दोस्तों।